हेलो इंस्टा, तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये देखिए, बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी, मासूम सी, भोली सी बेडशीट है, ठीक है ना? दो सूती बेडशीट जिसको कहते हैं, क्रॉस स्टिच बेडशीट। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, देखिए, ठीक है ना, कितना मस्त है। अब सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका वर्क की। ये देखिए क्रॉस स्टिच होता है, एक एक जो होता है ना, वो एक एक फ्लावर का एक एक जो वो रहता है ना, वो गिन के काउंट करके बनाना पड़ता है। अगर ये काउंट करके ना बनाया जाए तो ये जो कॉर्नर्स इतने खूबसूरती से बैठे हुए हैं ना, ये कभी बैठेंगे ही नहीं, ठीक है ना? बहुत मेहनत लगती है इसको, एक एक जो फ्लावर का वो जो होता है वो काउंट करके, बाकायदा काउंटिंग करके बनाई जाती है, ठीक है ना? ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है, हल्का ऑरेंज कलर है बेडशीट का, ठीक है ना? पीच कलर भी बोल सकते हैं, पीच कलर, डार्क पीच कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? वो कलर है, बहुत अच्छी खूबसूरत सी लग रही है। देखिए क्वीन साइज़ ही रहेगी इसमें, किंग साइज़ अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको किंग साइज़ बनवानी है तो आपको बेडशीट खुद से काट के थान में से भेजनी पड़ेगी। ये देखिए ये कितना प्यारा सा पिलो कवर है, मैंने जानबूझ के ये कवर इस पर चढ़ाया है ताकि आपको ये लगे कि पूरा फुल साइज़ का पिलो कवर है। ये देखिए एक एक जो फ्लावर होता है ना, वो काउंट करके बनाना पड़ता है, वरना इसका शेप साइज़ सब बिगड़ जाएगा। ये देखिए कितनी मेहनत की गई है इसके ऊपर, ये देखिए मेहनत के ही इस पर जो है ज़्यादा वसूली होती है। ये देखिए 1.5 मंथ पूरा लगे है इससे एक बेडशीट को बनाने के लिए, पूरा 1.5 महीने से 2 महीने लगता है एक बेडशीट बनाने के लिए। देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है बेडशीट का। ये देखिए पिलो कवर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है उसके हिसाब से, एकदम सटीक बोलते हैं ना वो बेडशीट की डिज़ाइन। ये देखिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत अच्छी बेडशीट है।